साथियों, मेरा नाम अर्जुन मेहर है और सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। दोस्तों, अक्सर एक बात चलती है, इस देश के लोकतंत्र को यदि मजबूत करना है तो इस देश के सभी नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। ये बात कह देना बहुत आसान है कि इस देश के सभी नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इससे भी मुश्किल काम यह है कि इस देश के नागरिकों को यह कोई नहीं बताता कि वो अपना मत किसे दें और क्यों दें। तो साथियों, मैं हाजिर हूं आज आप सबके सामने ये टॉपिक लेकर कि आपको अपना मत किसे देना है और किसे नहीं देना। दोस्तों, मैं अपनी बात चालू करूं उससे पहले आपको 2014 के आम चुनाव की तरफ लेकर चलना चाहता हूं। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को पीएम फेस के तौर पे प्रोजेक्ट किया। इस देश की जनता चाहती थी कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में ऐसे ऐसे गधों को भी सांसद बना दिया जो वास्तव में सांसद बनने लायक नहीं थे और न ही संसद में बैठने लायक थे। डोंट वोट फॉर पीएम कैंडिडेट, वोट फॉर राइट एमपी इन योर एरिया। अरे भाई, अच्छे एमपी चुनोगे तो प्रधानमंत्री तो वो खुद चुन लेंगे। हम प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा इलेक्शन थोड़ी कर रहे हैं, हम लोकसभा का इलेक्शन कर रहे हैं कि हमारा सांसद कौन होगा। तो अच्छा सांसद चुनने के लिए आपको क्या करना है? आपको चेक करना है कि उसके एजुकेशन क्या है, आपको चेक करना है कि उसका बिहेवियर क्या है, उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उसका विजन क्या है, उसका पास्ट का बैकग्राउंड क्या है, उसने पहले सोसाइटी के लिए क्या किया है, और आपको जांचना है कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं दायर है। बस, अगर आप इस देश की व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहते हैं तो अपने वोट देने का तरीका बदल दीजिए, ये देश ऐटोमेटिक बदल जाएगा। साथियों, अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि मतदाता को जाति, धर्म और पार्टी के आधार पर कभी भी वोट नहीं देना चाहिए। वोट देते टाइम कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए और ऐसे ही कुछ पॉइंट्स लेकर मैं हाजिर हूं ताकि आप एक अच्छा जनप्रतिनिधि अपने लिए चुन सकें। तो मेरा पहला पॉइंट है कि लहर नहीं व्यक्ति देखें। साथियों, 2014 में हमसे सबसे बड़ी गलती यह हुई कि मोदी लहर में हमने ऐसे ऐसे गधों को भी सांसद चुनकर भेज दिया जो वास्तव में सांसद बनने लायक नहीं थे। मैं ऐसे सांसदों के नाम नहीं लूंगा, आप खुद उनके बयानों को और उनके हरकतों को देखकर तय कर सकते हैं कि वो वास्तव में सांसद बनने लायक नहीं थे, और आप भी उनके नाम जानते हैं। मैं मेरा उदाहरण देता हूं, मैं ऐसी लोकसभा क्षेत्र से हूं जहां पर कांग्रेस ने भी बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया अज्जुरुद्दीन जी को, और उनके खिलाफ बीजेपी ने भी एक हरियाणा से आए बिजनेसमैन को टिकट दिया, जिनका दूर दूर तक हमारे क्षेत्र से कोई वास्ता नहीं, जिनका दूर दूर तक हमारी समस्याओं से कोई वास्ता नहीं, ऐसे लोगों को वहां चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया, और मोदी लहर में ऐसे आदमी को सांसद बना दिया जिसने केवल हमारे क्षेत्र की बजरी का खनन किया और उसने कभी क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं किया। इसलिए लहर नहीं देखें, व्यक्ति को देखें, और व्यक्ति को देखकर वोट दे, ऐसे आदमी को वोट दे जो आपके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सके। दूसरा पॉइंट है कि प्रचार नहीं व्यक्ति की छवि देखें, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी चुनाव लड़ते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, और चुनाव प्रचार के नाम पर पैसे को पानी की तरह बहा देते हैं, और ऐसा लगता है, ऐसा माहौल बनाया जाता है कि हाँ यार, इस बार शायद यही जीतेगा, और हम लोग उसके प्रचार के तरीकों से भ्रमित होकर उसे वोट दे देते हैं। तो आप लोग प्रचार से बिल्कुल भ्रमित ना हो, व्यक्ति की छवि देखकर वोट दें। इंसान को जाति देखकर वोट नहीं देना चाहिए, विजन देखकर वोट देना चाहिए। क्या हम लोग अपने लिए दामाद ढूंढ रहे हैं? क्या हम लोग अपने लिए कोई पत्नी बहू ढूंढ रहे हैं, या अपने लिए कोई जीजा ढूंढ रहे हैं जो हम अपनी जाति के लोगों को वोट देते हैं? एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी हम जाति के आधार पर अपना कैंडिडेट चुनते हैं तो वो कैंडिडेट आप चुनते टाइम तो आपकी जाति का होता है,
लेकिन बाद में वो कैंडिडेट उसकी पार्टी की विचारधारा और पार्टी का गुलाम बनकर काम करता है। मैं एक वाकया हमारे खुद का ही सुनाना चाहता हूं। मैं मीणा समुदाय से हूं और राजस्थान में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं। विधानसभा चुनावों में मीणा समुदाय ने 33 विधायक विधानसभा में भेज दिए, और हकीकत यह है कि जब 13 पॉइंट रोस्टर का और आदिवासियों की जमीनों के विस्थापन का मुद्दा जब आया, तो उन 33 विधायकों में से गिनती के एक दो विधायकों की जुबान खुली, बाकी के लोगों ने केवल लेटर लिखकर अपना काम चला लिया, जो शायद लेटर आज तक भी प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचे होंगे। और हमने केवल जाति के आधार पर ऐसे लोगों को विधानसभा में पहुंचा दिया। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जाति देखकर वोट मत दीजिए। हम कोई हमारे लिए जीजा साला या फिर बहनोई नहीं ढूंढ रहे हैं, हम हमारे लिए नेता चुन रहे हैं जो हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़े। चौथा पॉइंट है, दावे नहीं उसकी समझ देखिए। 2014 के चुनावों में ऐसे ऐसे बड़े दावे किए गए और हाल ही में इस चुनाव में भी लोगों ने अभी से ही दावे शुरू कर दिए हैं। तो आप लोग ये चेक करिए कि इस शख्स ने ये दावा किया, ये वादा किया, ये वादा पूरा कर सकता है क्या? आप देखिए कि इसकी कैपेबिलिटी इस लायक है क्या कि ये आदमी हमारे इन कामों को कर पाएगा। पांचवा है, आदमी के नाम पर नहीं उसकी नियत देख के वोट देना, क्योंकि अक्सर नाम के अंदर हम लोग मजहब ढूंढ लेते हैं। इसलिए कैंडिडेट के मजहब और धर्म के आधार पर वोट नहीं, केवल उस आदमी की, उस कैंडिडेट की नियत देखकर वोट देना चाहिए। छठा जो पॉइंट है वो प्रत्याशी की प्रतिभा को लेकर है। आप अपने जितने भी प्रत्याशी उनकी प्रतिभा को देखो कि इनमें से कौन वो आदमी है जो हमारे लिए जमीन पे संघर्ष करेगा। इसके अंदर वो क्षमता है, इसके अंदर वो प्रतिभा है कि ये हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। सातवां पॉइंट है, गलत तौर तरीकों पर नजर रखना। आप चेक करते रहिए प्रचार प्रसार के दौरान कि कोई प्रत्याशी अपने भाषणों में, संबोधनों में सांप्रदायिक भाषा शैली का उपयोग कर कर वोट तो नहीं मांग रहा है, या फिर फेक नेशनलिज्म के नाम पे वोट तो नहीं मांग रहा है, या सेना के शौर्य के नाम पे वोट तो नहीं मांग रहा है, या वो आदमी आपको शराब और पैसे का प्रलोभन देकर आपके वोट को तो नहीं खरीदना चाहता है। ऐसे लोगों को कभी भी वोट ना दें, क्योंकि ये लोग आपको केवल उपभोग की एक वस्तु समझ रहे हैं, आपको मूर्ख समझ रहे हैं कि आपको धर्म, जाति, संप्रदाय और राष्ट्रवाद के नाम पर पागल बनाना चाहते हैं। आठवां पॉइंट, पार्टी की नीति और नियत से जुड़ा है। हमें कई बार लगता है कि हम इस जाति के लोग हैं और हमारी जाति की ये पार्टी है, तो आपकी उससे नीति मेल खा जाती है कि यार ये हमारी नीतियों की बात करते हैं, हमारे अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन उस पार्टी की नीयत में खोट होता है, वो आपके अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ती। कोई पार्टी होती है जो आपके धर्म से जुड़ी हुई होती है और वो कहती है कि हम आपके धर्म की लड़ाई लड़ेंगे, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, वास्तव में उसकी नीयत में खोट होता है और वो आपके अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ते। इसलिए उस पार्टी को वोट देना जिसकी नीति और नियत बिल्कुल सही है। और मैंने शुरुआत में एक बात कही कि जाति, धर्म और पार्टी के आधार पर वोट नहीं देना। तो साथियों, पार्टी के आधार पर तभी वोट देना है जब जो ऊपर के 7 पॉइंट है उनके आधार पर उस पार्टी का प्रत्याशी खरा उतर रहा है और अंत में आपकी विचारधारा के अनुरूप वो पार्टी अपने नीति और नियत पर खरा उतर रही है, तो उस पार्टी के उस योग्य उम्मीदवार को आप वोट दे सकते हैं, चाहे वो उम्मीदवार किसी भी जगह का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, लेकिन वो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला होना चाहिए। तो साथियों, आगामी लोकसभा चुनाव 7 अप्रैल से चालू होंगे और ये महासमर
19 मई तक चलेगा। इस दौरान 7 चरणों में चुनाव होंगे। आप सभी लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग करें, लेकिन वोट करते टाइम उन चीज़ों का ध्यान रखें जिनके आधार पर आपको वोट देना है और इस देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाएं। धन्यवाद।